Next is question number 3 from exercise 16.2. Question is, if 2, 4x is a multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर 2, 4x 3 का मल्टीपल है जहां पर x एक डिजिट है तो x की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 2, 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 2, 4x इज अ 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3. ये नंबर 3 का मल्टीपल है, मींस ये नंबर 3 से डिविजिबल है. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर की सारे डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो. इस नंबर की तीनों डिजिट को ऐड करेंगे, 2 + 4 + x इज आइदर 3 or 6 or 9 or 12 or 15 or 18 and so on. 2, 4x ये नंबर 3 का डिविजिबल है तो इसकी तीनों डिजिट को ऐड करने पे हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो, इसलिए यहां पर हमने वही नंबर्स लिए हैं जो 3 की टेबल में आते हैं. नाउ 2 + 4 = 6, 6 + x इज इक्वल्स टू. अब यहां पर हम इन सब में से एक एक नंबर को पुट करके ट्राई करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 3. 6 + x इज इक्वल्स टू 3. नाउ 6 + x इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि 6 3 से बड़ा नंबर है. 6 में हम कुछ भी ऐड करेंगे ये और बड़ा नंबर बन जाएगा. आंसर में हमें 3 नहीं मिलेगा, इसलिए 6 + x इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज 6. 6 से ट्राई करते हैं. 6 + x इज इक्वल्स टू 6. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स इज इक्वल्स टू 6 - 6, देन एक्स इज इक्वल्स टू 0. इस तरह से हमें x की वैल्यू मिली 0. नेक्स्ट 9 से ट्राई करते हैं. 6 + x इज इक्वल्स टू 9. एक्स इज इक्वल्स टू 9 - 6, x इज इक्वल्स टू 3. यहां पर x की वैल्यू मिली 3. नेक्स्ट इज 12. 6 + x इज इक्वल्स टू 12. x की वैल्यू फाइंड करनी है. x इज इक्वल्स टू 12 - 6, x इज इक्वल्स टू 6. यहां पर x की वैल्यू मिली हमें 6. नेक्स्ट इज 15. 6 + x इज इक्वल्स टू 15. x इज इक्वल्स टू 15 - 6, x इज इक्वल्स टू 9. यहां पर x की वैल्यू मिली हमें 9. नेक्स्ट इज 18. 6 + x इज इक्वल्स टू 18. एक्स इज इक्वल्स टू 18 - 6, एक्स इज इक्वल्स टू 12. यहां पर x की वैल्यू मिली हमें 12. 12 टू डिजिट नंबर है, इसलिए x की पॉसिबल वैल्यू 12 नहीं हो सकती. 18 के बाद हम 21, 24, 27 कोई भी नंबर ट्राई करेंगे तो हमें टू डिजिट में ही आंसर मिलेगा. x के लिए हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज मिली है. इन चारों में से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, उसी से आंसर करेक्ट होगा. 2, 4x दिस नंबर कैन बी फॉर्म्ड एज 2, 4, 0, 2, 4, 3, 2, 4, 6 एंड 2, 4, 9. ये चारों ही नंबर 3 के डिविजिबल हैं. तो x की वैल्यू 0, 3, 6, 9 कुछ भी हो सकती है, जो भी आप चूज करोगे वही आंसर करेक्ट है. सो x कैन हैव एनी ऑफ द 4 डिफरेंट वैल्यूज, नेमली 0, 3, 6 और 9. दिस विल बी आंसर. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द comment box, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.